हेलो बच्चों ढेर सारा प्यार आप सभी को मेरा नाम है पूजा पाठक और मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ एंड चैप्टर इज थ्री लिटिल पिग्स एज एज यू यू नो कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई विल एक्सप्लेन द होल स्टोरी टू ऑल ऑफ यू सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज हों वीडियो को देखने के बाद उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा चलिए शुरू करेंगे थ्री लिटिल पिग्स एक बार देर वर थ्री लिटिल पिग्स एक बार की बात है तीन छोटे छोटे पिग्स थे ठीक है सोनू मोनू एंड गोनू उनका नाम था एक का नाम सोनू एक का नाम मोनू और एक का नाम गोनू सोनू लिव्ड इन ऑफ स्ट्रॉ अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें कच्चा हाउस और पक्का है तो आप जाकर वहाँ पे देखें। be तो इसमें भी, की उसी के बारे में बात की गई है सोनू लिव्ड इन अफ स्ट्रॉ जो सोनू है वो स्ट्रॉ यानी खास फूस के जो है वो मकान में रहता था मोनू लिव्ड इन अफ स्टेक्स और जो मोनू है वो स्टिक्स यानी लकड़ी के बने हुए घर में रहता था गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स और जो गोनू है वो पत्थरों ईटों के बने हुए हाउस में रहता था तो ये हो गया सोनू ये हो गया मोनू ये हो गया गोनू आगे बढ़ेंगे वन डे बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा बुरा सा भेड़िया यानी वुल्फ सोनू के घर में आ गया ही सेट

अब सोनू भागा भागा मोनू के घर में गया द वुल्फ केम टू मोनूज़ हाउस अब जो वुल्फ थी गंदा भेड़िया था वो मोनू के घर में भी आ गया ही सेड आई विल हाफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन उसने कहा कि मैं फिर से तेज सांस भरूंगा और फूंक मार के तुम्हारे भी घर को उड़ा दूंगा सो ही हाफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो मोनूज़ हाउस डाउन अब मोनू का घर भी किसका था लकड़ी का बना हुआ तो उसने मोनू के घर को भी फूक मारकर उड़ा दिया मोनू दोनों ही भाग रहे हैं क्योंकि भेड़िया ने मोनू का घर भी खराब कर दिया नीचे गिरा दिया फूक मारकर सोनू एंड मोनू रेग टू गोनूज हाउस अब सोनू और मोनू किसके घर में भागे गोनू के घर में दुल्फ किंग टू गोनूज हाउस अब जो भेड़िया था वो गोनू के घर में भी आ गया ही सैर I I will will huff and puff and and puff blow your house down so he and popped, he huffed puffed but could not blow the blow the bricks house down घिस वो उसने इतनी सांस भरी इतनी गहरी सांस भरी फिर भी उसने जो गोनू का घर था वो नहीं गिरा पाया क्योंकि वो किसका बना था वो ईटों का बना था इट वॉज वेरी strong वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था वुल्फ वेंट अवे जो भेड़िया था वो भाग खड़ा हुआ एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव फिर भेड़िया भाग गया और फिर सोनू मोनू और गोनू खुशी खुशी अपने लाल रंग के ईट पत्थर के घर में रहने लगे तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि जो uh, कौन सा हाउस ज्यादा स्ट्रांग होता है क्या वो घास फूस का हाउस स्ट्रांग होता है क्या वो वुडन हाउस स्ट्रांग होता है या ब्रिक्स हाउस स्ट्रांग होता है ठीक है तो इस कहानी से आपने सीखा कि जो ब्रिक्स से बने हुए हाउसेस होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ठीक है ठीके? अब हम इसके न्यू वर्ड्स करेंगे सबसे पहला न्यू वर्ड है एंड एंड का मतलब होता है और देखिए ऑल दो सी बी एस ई में न्यू वर्ड्स को इंग्लिश में लिखाना मना है ठीक है वी हैव टू टेल द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड बट मेरे हिसाब से जब तक आपको हिंदी नहीं पता होगी बिकॉज बिलोंग टू दिंदी बेल्ट हमारी मदर टंग हिंदी है तो ये मेरा मानना है कि जब तक हमारे हिंदी की चीजें एकदम से क्लियर नहीं होंगी तब तक हम उसको को रिलेट नहीं कर पाएंगे फॉर द बेसिक फाउंडेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन दियर मदर टंग सो हर आई एम टेलिंग यू अबाउट द मीनिंग रियल मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स तो एंड का मतलब बट का मतलब होता है लेकिन आपको इन सबको याद करना है ठीक है नॉट का मतलब होता है नहीं वन का मतलब होता है एक पिक का मतलब होता है सुअर द एक आर्टिकल है ठीक है वाज़ का जो सेंस है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका जो सेंस आता है वो पास्ट टेंस के सेंस में आता है बेसिकली हम जब लास्ट में था थी थे ये सारे वर्ड्स आए कि वो कु जा रहा था वो गा रहा था वो पढ़ रहा था तो उस सेंस में हम वाज़ और वर का यूज़ करते हैं जब सिंगुलर नंबर होती है यानी एक आदमी की बात हो तो हम वर्स का यूज़ करेंगे जब प्लूरल नंबर होता है यानी ज़्यादा लोगों की बात होती है तो हम वहाँ पे वर का यूज़ करते हैं लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि जब आई का यूज होता है आई को ऑल दो प्लूरल माना जाता है लेकिन फिर भी आई के साथ वॉज का यूज करेंगे ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया टेंस के बारे में भी आप इस चैनल से लगातार सीखते रहिए मैं आपको हर दिन कुछ नया सिखाऊंगी ये वादा है मेरा आपसे ठीक है अब हम इन न्यू वर्ड्स को सेंटेंस में यूज कर लेते हैं वुल्फ वॉज बिग एंड बैड बिग एंड बैड का यूज किया ना हमने यहाँ पे कि जो wolf था वो बड़ा भी था और बुरा भी था दिग अब कैसा था वो बड़ा नहीं था वॉज नॉट लग गया तो बड़ा नहीं था वॉज लग गया तो था का यूज हो गया द का मतलब किसी भी नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं देखो आर्टिकल्स भी मैं समझा देती हूँ कितनी मेहनत करती हूं ना मैं आप लोगों के लिए फिर भी चैनल को लाइक नहीं करते हो आर्टिकल्स के बारे में आज हम जानेंगे ठीक है अरे ये दो तरह के होते हैं नंबर वन होता है डेफिनेट वन सेकेंड कलर दूसरा लेंगे भाई अच्छा नहीं लग रहा ये वाला कलर एक आर्टिकल होता है डेफिनेट ठीक है और एक आर्टिकल्स होते हैं इनडेफिनेट ठीक है डेफिनेट का आर्टिकल में द का यूज होता है और इनडेफिनेट में ए और एन का यूज करते हैं ठीक है थीके? जब कोई चीज एक हो उसके आगे हम ए और एन में यूज करते हैं लेकिन ए और एन में भी एक्सेप्शन है क्या है कि वो वर्ड्स जो वोवल्स स्टार्ट होते हैं ठीक है ओ हो वन सेकेंड वर्ड्स इन वोवल्स से स्टार्ट होते हैं उनके नीचे आगे हम लगाते हैं एन और बाकी सबके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं वो होता है ए जैसे अ कैट अ डॉग लेकिन अगर आ जाए एलिफेंट उसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है ई e से Is a तो हम लगाएंगे उसमें एन एलिफेंट ठीक है एन ईगल ओके तो ये हो गया इन आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज होता है मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की जा रही हो जैसे कोई भी मोन्यूमेंट है लाइक like, ताजमहल ठीक है तो ये एक डेफिनेट चीज है इसी के बारे में बात हो रही है तो हम लगाएंगे इसके आगे द ताजमहल वर्फ के बारे में बात हो रही है तो उसी बुल्फ के बारे में बात हो रही है तो द बुल्फ ठीक है तो ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया वो इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो ये समझा दिया है द पिग वॉज नॉट बिग ये भी हो गया था आगे बढ़ेंगे रीडिंग इज वन हाउ मैनी पिग्स वर्ड कितने पिग्स रहते थे अब देखो एक और यहाँ पे नया एक वर्ड आया हाउ मैनी और हाउ मच दो वर्ड्स होते हैं ठीक है हाउ मेनी का मतलब कितने और हाउ मच का मतलब भी कितने लेकिन इन कितने-कितने में कौन किस सेंस में यूज हो रहा है ये समझना जरूरी है हाउ मेनी का यूज हम उस कितने के लिए करते हैं जब चीजें काउंटएबल हो मतलब कितने पेन pen, कितनी पेंसल्स कितने रुपए कितने फल तो उसके लिए हम करेंगे हाउ मेनी पेंसिल्स हाउ मेनी मतलब जो काउंटेबल हाउ मैनी और हाउ मच का यूज हम उसमें करेंगे जो count ना किया जाए जिसको हम नापते हैं जैसे हाउ मच वाटर अब वाटर को काउंट तो नहीं कर सकते उसको तो लीटर में या उसका एक प्रॉपर यूनिट होती है जिसमें हम उसको मापते हैं मेजरमेंट उसका होता है हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक अब ये थोड़े बोलेंगे हाउ मे मिल्क कितना कितने दूध पी गए तो इसमें है कि हाउ मच मिल्क मतलब आपने कितना क्वांटिटी वाइज काउंटिंग वाइज अगर आ जाए तो हम हाउ मैनी का यूज करेंगे और क्वांटिटी वाइज आ जाए मात्रा वाइज आ जाए तो हम उसमें हाउ मच का यूज करेंगे क्लियर हो गई आपको बात तो अब यहाँ पे पिग्स हैं उनको तो हम काउंट कर सकते हैं ना वन टू थ्री फोर फाइव एन 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 सो ऑन लेकिन पिग्स को ऐसा कोई क्वांटिटी तो है नहीं कि कितने पिग हैं कितने लीटर पिग हैं ठीक है थीके? तो उसमें हम हाउ मैनी का यूज करेंगे हाउ मच का यूज नहीं करेंगे ओके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ मेनी पिग्स वर देयर कितने पिग्स थे तो देयर वर आंसर हम लिखेंगे देयर वर थ्री पिग्स क्लियर व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग्स क्या बोल रहा था बड़ा सा बंदा भेड़िया वो कह रहा आई विल हफ एंड पफ एंड ब्लू ऑल योर हाउसेस ठीक है तो वैसे बोल रहा था तो ये भी हो गया आपका लेट्स गो

पिग इज गुड एंडफ इज बैड अकॉर्डिंग टू दी ओके हो कुछ लोग पिग्स का कैरेक्टर फॉलो करेंगे कुछ लोग कैरेक्टर फॉलो कर सकते हैं वुल्फ का सो अगर आप इसको एनेक्ट करेंगे स्टोरी को तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी आपकी मेमोरी में ओके नाउ से अलाउड वन टू थ्री फो फाइव सिक्स क्यों है जाता है इसलिए सो दैट यू कैन इन्हांस योर प्रोनाउंसिएशन स्किल ठीक है आप बोलते हैं नहीं होता वन देर इज अ अटन स्किल टू प्रोनाउंस सम वर्ड्स ओके तो वन टू थ्री नहीं होता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो आइंदा से मेरे सामने बंटू थ्री ना करना ठीक है आगे बढ़ेंगे लेट्स ड्रॉ ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम वन टू टेन टू मेक द हाउस देन कलर द पिक्चर अब घर तो कब से बनाते आए हो यार छोटे से तो अब ये भी मैं ही बनाऊं क्या तुम क्या करोगे फिर बना लेना इसको देर आर फार्म एनिमल्स वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन दिस पिक्चर बिल्कुल सही बात है हर एनिमल हर जगह थोड़ी पाया जाएगा अब शेर को हम अपने फार्म में थोड़ी पाल सकते हैं तो वहां पे तो हम केवल फार्म्स में हॉर्सेस वहीं उन्हीं को पालेंगे ठीक है वैसे ही शेर को पानी में थोड़ी रखा जा सकता है वहां तो क्रोकोडाइल रहेंगे फिशेज रहेंगे सो देयर आर सर्टेन हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाते हैं नॉट लिव

जंगल एनिमल ये सब हमें मैच कर देने ये जंगल एनिमल हो गए अब इसमें से हमको फार्म एनिमल कौन कौन से पता लगाने हैं तो फार्म एनिमल में हमारा ये हो गया हॉर्स हो गया हमारा हैन हो गया ठीक है और डॉग भी हो गया बैर हमारा हो गया ये जंगल एनिमल ये बफेलो भी हमारी फार्म एनिमल हो गई क्रोकोडाइल हमारा वाटर एनिमल हो गया ये भी फ्रॉग हमारा वाटर एनिमल हो गया ठीक है काऊ हमारी फार्म एनिमल हो गई मंकी जो है वो हमारा एनिमल हो गया जंगल में रहता है फार्म में नहीं रहता जिराफ और एनोसॉरस जो है वो हमारे जंगल एनिमल हो गए तो एनिमल्स एंड देयर साउंड्स बेसिकली जो हमें इसमें सीखना है वो ये है कि एनिमल्स और उनका साउंड क्या होता है तो द डॉग सेज वो वो एनिमल्स और उनके साउंड का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखा है आप चाहे तो विजिट करके चैनल को देख सकते हैं न्यू म्यू सेज द कैट तो कैट की साउंड क्या हो गई न्यू म्यू द गोट ब्लीट 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 साउंड किसकी हो गई गोट की Roar, roar, the और जो लॉइन है वो रोरिंग करता है इट कैन नॉट इट कैन रोरो हेलो हेलो तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया आपको क्या चीज इसमें समझ में नहीं आई और क्या चीज और मैं कर सकती हूँ ताकि आपको और ज्यादा मजा आए पढ़ने में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ठीक है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओके मिलेंगे अगले वीडियो में